अपनी मांगों को लेकर नगर कटरा में पोनी पोर्टर और पिट्ठू संस्था ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल श्राइन बोर्ड के साथ जुड़े इन मजदूरों का आरोप है कि श्राइन बोर्ड द्वारा मजदूरों का पहचान पत्र बनाने के लिए इनसे पैसे लिए गए थे, लेकिन आज तक बोर्ड की तरफ से इन्हें कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण इन गरीब मजदूरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनका कहना है कि इनके काम में भी बाधा पहुँच रही है। मजदूरों के मुताबिक बोर्ड की लापरवाही के चलते वो बेहद परेशान हैं। इन मजदूरों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जल्द इनके पहचान पत्र और इनकी अन्य मांगे पूरी करने को कहा। मैं शिवेर अहमद सर कटरा से बोल रहा हूँ। हमारा ये मुद्दा है सर, हमारे जो यहाँ पे पैसा जमा किया था, कार्ड बनाएंगे आपके, श्राइन बोर्ड ने बोला था कि कार्ड बनाएंगे आपके, वो कार्ड नहीं हमें बन के मिले ना कुछ। हमने रास्ते में हर जगह यहाँ से बालगना से स्टार्टिंग होती है तो चलानों की शुरुआत होती है, कोई 500, कोई 200, कोई 400, कोई कुछ, कोई किसी दिन होता है सर मुद्दा। आज घोड़ा पास है सर, यहाँ पे ट्रैक पे 6 महीने अगर घोड़ा चले तो 6 महीने के बाद घोड़ा मर जाए या वो लंगड़ा हो जाता है। फिर दूसरा मजदूर लोग हम दूसरा घोड़ा भी नहीं चला सकते हैं ना कुछ, ना घोड़ा पास कोई करके देगा ना कुछ करेगा, हमें ना चलने देंगे ट्रैक पे ना कुछ। दूसरा मुद्दा है सर, हमारे कार्ड भी नहीं बन रहे हैं, बैरो वो के सांझी छत पे रखा है सर 275 श्राइन बोर्ड वालों ने रेट लगाया, पहले था 550 रुपया था सर, अब 275 ही लगा है। उसके बाद सीधा सीधा सर 3 किलोमीटर भी नहीं है तो उसका 275 है, 5.5 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है तो वहाँ पे भी 550 रुपया होना चाहिए रेट, वहाँ पे 275 ही रखा है। इसलिए हमारी स्ट्राइकें हैं, कार्टून के लिए स्ट्राइक है, यहाँ पे श्राइन बोर्ड के सामने आए हैं कि हमारा मुद्दा है कि हमारा कोई ना कोई हालात।